अरे हुसन आरा, तुम यहाँ बैठी हो, मैंने पूरा घर छान लिया। ये लो खाओ दूध चावल। हमारे फेवरेट दूध चावल। पता है उस दिन जब मैंने तुमको टेरेस पे मारिया को दूध चावल खिलाते हुए देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो वो सारे लम्हे हैं जो हमने एक साथ गुजारे थे। तुमने मेरा सारा असासा मारिया की झोली में एक लम्हे में डाल दिया। उस रात में सो नहीं पाई थी, पूरी रात रो के गुजारी थी मैंने। याद है सालों पहले हम दोनों यहीं बैठ के ढेर सारी बातें किया करते थे और ये दूध चावल खाया करते थे। सब याद है मुझे। चलो अब जल्दी जल्दी खाओ, इतनी बातें करती हो तुम। माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। अल्लाह का शुक्र है कि दोनों खुश हैं। पता है तुम्हारी जुदाई ने मेरे अंदर इतना जहर भर दिया था कि मैं जब किसी भी प्यार करने वाले को उसकी मोहब्बत मिलते हुए देखती थी तो मुझे बड़ी जलन होती थी। लेकिन तुम्हें पाने के बाद अब मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई अपने प्यार को पा लेता है तो। अच्छा हुआ महानूर और रयान का मसला भी हल हो गया। मैं खुद बहुत परेशान था। अच्छे खाएं आरसीन। अजीम जी, अजीम अच्छा बस मैंने बस खा लिया, अब तुम खाओ। अरे मारिया की आवाज है ना ये, मैं आता हूं, मारिया बुला रही है। सेम। मारिया, अरे क्या क्या कर रही थी तुम? क्या कर रही थी तुम? मुझे वॉशरूम जाना था। मुझे बुला लेती थी। आप नहीं थे, मैंने आवाज दी थी। बच्चे कहाँ हैं? बराबर वाले कमरे में सो रहा है। क्यों इधर मेरे पास क्यों नहीं है? अरे मैंने सोचा आप डिस्टर्ब ना हो, और वैसे भी आप अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, बच्चे कैसे संभालेंगे? आप किधर थे? मैं बाहर ही बैठा था। मैं आपको लेके चलूं वॉशरूम? यस आराम से।
चलो भाई अब ये ड्रामा खत्म। तुम्हारे बाप की भरपूर फरमाइश पे मैंने और अरमान ने तुम्हारे निकाह में शिरकत तो कर ली, तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया, अब आगे तुम्हारी जिम्मेदारी। वैसे भी मैं नई नवेली दुल्हनों के नखरे नहीं उठाती, I'm so tired। और हाँ आयाज से कहकर कपड़े निकलवा लेना गाड़ी। I'm so sorry, मेरी इनसे बनती नहीं है ज्यादा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है अगर आप मेरे साथ हैं। बाजी जरा देखो तो इस पिक में राश्ता बाजी का मुंह कैसे फूला हुआ है, देखा ऐसे लग रहा है जैसे राश्ता बाजी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती सेल्फी ली है। सब गुब्बारे की तरह फूला हुआ मुंह लग रहा है, अजीब सा। आता है बाजी मानो ना इतनी प्यारी नहीं लग रही थी जितना प्यारा उसका ड्रेस लग रहा था। आपको पता है मैंने ना फेसबुक पे देखा था कि वो जो ड्रेस था ना वो किसी लाहौर के डिजाइनर का था। अरे छोड़ो डिजाइनर विजाइनर, रेप्लिका वेप्लिका होगा, कॉपी शॉपी। हाँ वो क्यों पहनने लगी कॉपी? उसकी शादी अमीर घराने में हुई है और वो सब लोग डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, तो मानूर क्यों पहनने लगी कॉपी? सही कह रही हो भाई तुम। वैसे ना मानूर की अमीर घराने में शादी होने के बाद उसके तो भाई वारे न्यारे हो गए। ये लोग हैं, इतना बड़ा घर है और इतनी सारी गाड़ियां है ना, एक के बाद एक लगी होती हैं, गिन भी नहीं पाते। तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ? अब वो गई बात आगे, वो मुझे राश्ता बाजी ने बताया था, और मुझे कैसे पता चलेगा। वैसे बाजी तुमने ना मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ऐवे मुझे उस कासिम के पीछे लगा दिया। मेरे लिए भी ढूंढती है अच्छा प्यारा सा अमीर सा लड़का, वो मुझे इतने महंगे महंगे गिफ्ट ला के देता, मेरे पास भी इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस होते, ब्राइडल ज्वेलरी होती, इतना सारा मेकअप होता, मेरे आगे पीछे भी नौकर चाकर होते, ड्राइवर आता मेरा दरवाजा खोलता गाड़ी का और मैं ऊंची सी हील पहनकर उसमें से उतरती ऐसे करके ठुमक ठुमक ठुमक, फिर मैं अपना हाथ ऐसे करती, उसमें एक प्यारी सी डायमंड की रिंग होती। मगर तुमने मेरे साथ क्या किया? लगाया भी तो उस लुच्चे कासिम के पीछे। अच्छा वो बहन वापस आ जा, बहुत ऊंचाई पे चढ़ गई है तू, ऊपर से जब नीचे गिरेगी ना तो आके इसी झोपड़े में गिरेगी। तुम ना मुझे ख्वाब में भी अमीर ना रहने देना, इतना दूर चली गई थी मैं, बुला लिया मुझे वापस। अरे बहन तुम्हारे जैसे ख्वाब शेख चिंदी के भी थे, सब ने देखा, पूरे जमाने ने देखा, एक एक करके धड़ंग करके टूट गए। अब तुम एक काम करो, तुम ना ख्वाब देखो फिर से और उसमें मानूर से कोई जोड़ा वोड़ा मांग लो। अपने हाथों से फूल बिछाए तुम्हारे कदमों में,
अयान, अयान, तुम्हारे कदमों में रहना चाहता हूं हमेशा। कभी अपने आप से दूर मत करना मानूर। इधर ऊपर बैठो। तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं कि मेरे दिल में। यह अंगूठी मेरी मां की शादी की निशानी है। वो हमेशा इसे पहन के रखती थी। आज मानो तो मैं सुनता हूं मानू। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे मिल गए। अयान, तुम्हारी मोहब्बत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखा। ऐसे तो मैं भी रो दूंगा। वैसे भी आज अम्मी बहुत याद आ रही है। काश अम्मी होती आज, ना खुश होती ना। वो जहां है हमें देख के बहुत खुश होंगी। बहुत प्यारी लग रही हो आज। जान सा चेहरा, चमकती आंखें, और जाने को जी चाहता है आज। कौन आ रहा हूं? इस टाइम पे कौन आ गया? आ रहा हूं। चलो मैं अस्पताल जा रही हूँ तुम्हारे डैड से मिलने। इस टाइम तुम अपने बाप को सलाम भी नहीं करोगे शादी करने के बाद? मैं सुबह चला जाऊंगा। तुम्हें अपने डैड का कोई ख्याल है? एक तो तुमने उसके एब्सेंस में शादी कर ली और अब तुम उसका हाल पूछने भी नहीं जा रहे हो। मानूर, उससे क्या इजाजत ले रहे हो? डैड तो तुम्हारे है ना। आप चले, मैं आता हूं। जल्दी आओ। अयान जाओ। पर इस टाइम पे सुबह चला जाऊंगा ना। प्लीज अयान। मैं ओके आता हूं। अबू, वैसे आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी। आप भी घरों की तरह खड़े रहे और अम्मी ने तो रुखसती के टाइम उसको गले लगा के दुआ तक नहीं दी। बहुत अच्छा किया। ना तो मुझे उससे कोई मोहब्बत है और ना ही हमदर्दी। और जो कुछ वो हमारे साथ करके गई है ना, उसके बाद दुआएं देना बनता नहीं है। बेटा, मैं तो इसलिए दूर दूर रहा क्योंकि शमीम की आदत सब जानते हैं। जब मुगलजात बकने लगता है, सबके सामने बेइज्जत कर देगा, तो बेहतर है बेइज्जत बचाए खड़े रहो। और क्या, आपने बहुत अच्छा किया साहब। कासिम, तुम ये बताओ कि तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है उनके? तुम ना अपनी फिक्र करो। उनकी माशाल्लाह से ना दोनों बेटियां अपने घर की हो चुकी हैं और तुम अपना घर बसाने के बारे में सोचो। मैंने तो बस फैसला कर लिया कि मैं जल्द अज जल्द शादी करके तुम्हारी बहू लाऊंगी इस घर में, और वो भी चांद जैसी। कहीं अम्मा मी से बात करते उल्फत के बारे में। ये आप शमीम चाचू को दिखाने के लिए कर रही है ना?
और माजरत के साथ उल्फत कहीं से भी चांद जैसी नहीं है। वैसे सुनो, ये बात तो ये ठीक कह रहा है, कहां उल्फत, कहां हमारी महानूर, उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते। प्लीज बस कर दीजिए साथ, आपको तो वैसे ही ना अपनी भतीजियों के आगे कोई दिखाई नहीं देता। अब तो उल्फत ही मेरी बहू बनेगी, मैं भी अपने रिश्तेदार को यहां लेकर आऊं ताकि मेरे बराबर में खड़ी होकर मेरा साथ दे सके। अरे क्या बात कर रही हो, साथ हम सब देते तो हैं तुम्हारा, क्या हो गया? जितना साथ देते हैं ना मेरा, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। साथ देते हैं मेरा बातें सुनाने के लिए। महानूर, महानूर, शुक्र है खुदा का कि हम अपनी एक और जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो गए। बस अल्लाह ताला हमारी दोनों बेटियों को अपने घर में खुश और आबाद रखे। आमीन। तबीयत बेहतर हो जाएगी। मारिया क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? घबराहट सी हो रही थी रात से। हाँ मैंने नोटिस किया था, तुम आधे फंक्शन से ही उठ के चली गई थी। जी तबीयत ठीक नहीं थी, बॉडी एक बहुत हो रहा था, मैंने कुछ मिस किया? मिस करने वाला था ही क्या फंक्शन में? चार फूल लगाकर चार लोगों को बिठाकर बेटी को रुखसत कर दी। बहुत बोलने लगी हो, जरा जबान संभाल के बोले वरना साबिर भाई से बात करनी होगी। जी भाई साहब, मेरी तरफ से इजाजत, आपने जिससे भी बात करनी कर लीजिए। लेकिन याद है आपको कितने बड़े बड़े बोल बोल रहे थे आप, अपनी बेटी के ससुराल वालों की दौलत पर कितना फखर कर रहे थे? देखा कैसे आपका गुरूर खाक में मिला। आपकी बेटी की शादी ऐसे हुई कि ऐसी शादी तो किसी फकीर की बेटी की भी नहीं होती। राष्ट्र भाभी प्लीज, आप जानती तो हैं वो लड़की के फादर हॉस्पिटलाइज्ड हैं। हाँ मारिया, बहाना कुछ भी बनाओ, गुरूर का सर तो नीचा हुआ ना। देखो तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता, वरना मैं भी ऐसा जवाब देता कि जिंदगी भर याद रखती। शमीम रहने दीजिए। और राशिदा खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, तुमसे हमारी खुशियां क्या देखी नहीं जाती? मैं तो चुप हो जाऊंगी जहारा, लेकिन दुनिया वालों की जबानों को कैसे बंद करोगे? आपने आपकी मानर से बात हुई? हाँ वो हुई थी, अभी थोड़ी देर में जाएंगे नाश्ता लेके उसके यहाँ, तुम चलोगी? नहीं मैं कैसे जा सकती हूँ, आप लोग जाएं।
मैं तुम्हें टेरेस तक छोड़ देती हूँ। रिश्ता भाभी, बाजी तुम अभी तक गई क्यों नहीं? यहां बैठकर क्या कर रही हो? वो ना मुझे डर लग रहा है, कल उन्होंने शादी में देख लिया था, दिल घबरा रहा है बहुत। क्या मतलब? मतलब ये कि अयान की जो माँ है ना, वो मेरी मैडम है, उनके घर में मैं खाना पकाती हूँ, वहां काम करती हूँ। ये तो फिर गेम खराब हो गई ना बाजी, बिल्कुल ही फिल्मों वाली सिचुएशन हो गई। अब मैं सोचू मैं तुम रात भर क्यों कसमस आ रही थी, सो भी नहीं पा रही थी तुम ठीक से। और क्या, अब क्या होगा, यही तो परेशानी है मुझे। अब वो चुड़ैल मुझसे पूछेगी क्यों थी तुम उनकी शादी में, क्या लगती हो तुम उनकी, तो क्या बोलूंगी मैं? तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? और अगर तुम्हें पता चल ही गया था तो फिर तुम क्यों गई थी शादी में? भाई सबने बोला कि लड़का अकेला आएगा, मैंने भी सोचा कि इतने रशकश में मुझे कौन पहचानेगा, लेकिन मुझे क्या पता था भाई, वहां तो उन्होंने सबको मना कर दिया क्योंकि लड़के के अब्बा बीमार हो गए थे, और वो ऊपर से मैडम भी आदम की। जब वो वहां पर आ गई थी तो तुम शादी में से निकलकर यहाँ आ सकती थी ना? अरे वाह, खाना शादी का छोड़ के और मैं घर आ जाती, क्यों तुम्हें पता नहीं शान मिला वालों का खाना कितने मजे का होता है, और कैसे छोड़ देती मैं? पागल, तुम्हारा यही चटोलपना ना हमेशा हमें फंसवाता है। याद है ना तुम्हारा चौथा रिश्ता भी ऐसे ही इनकार हुआ था, लड़के ने मना इसी वजह से किया था क्योंकि तुम उसके रेस्टोरेंट में खाना खाकर बिल दिए बगैर भाग गए। चुप कर जाओ तुम, यहाँ बैठ के तुम्हारे ताने सुनने से बेहतर है कि मैं अपनी कमर कस लूं और निकल पड़ूं नए काम की तलाश में। इसे मैं तुम्हें एक आइडिया दूं। क्या बताओ? तुम ना अपनी मैडम से कहना कि तुम्हें शादी में अयान ने इन्वाइट किया था। जी वाह, क्या जबरदस्त आइडिया दिया है तुमने, यही करती हूँ। शुक्र है पहली बार कोई अकलमंदी का मशवरा दिया है तुमने मुझे। चलो मैं निकलती हूँ, चेंज कर लूँ। थैंक यू बोला ना कुछ, उठ के चली गई टुमक टुमक करती हुई। कभी अपने आप से दूर मत करना मानूर। देख लो देख लो, जिंदगी में पहली बार देखा होगा ना स्विमिंग पूल तुमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। वो हमारे घर में सब सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अच्छा, बड़े आराम से फंसा लिया तुमने अयान को। तुमने अयान को फंसा लिया, बाप ने उसको धमका लिया, और फिर उसको इमोशनली वीक करके ऐसा शीशे में उतारा कि वो पागल हो गया तुम्हारे से शादी करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वरना कौन ऐसा है जो अपने बाप को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के शादियां करता फिरता है? जादू किया है ना तुमने उस पे, वो भी काला। एक्सक्यूज मी, सुनो मैं तुम्हें इस घर में ज्यादा अरसा रहने नहीं दूंगी। राजता, क्या हो गया तुम्हें, क्यों इतनी मनमानी कर रही हो? इस घर की बड़ी बहू हो तुम,
कल को घर की बागडोर तुमने ही संभालनी है। इस कदर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों कर रही हो? अम्मा भी मैंने कह दिया मैं मानूर के ससुराल नहीं जाऊंगी तो बस नहीं जाऊंगी। मेरे बेटे की खुशियों को जलाकर राख किया उस लड़के ने और मानूर ने, फिर भी मैं उसके निकाह में शामिल रही। बस अब प्लीज इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखिए। अम्मा भी तो क्या अब मैं अकेली जाऊंगी? अगर मैं ठीक होती तो आपके साथ चलती। जैसे आपको किसी के वो साथ ले जाने की जरूरत क्या है? आप अपनी बेटी के घर जा रही हैं, आप खुशी खुशी जाए। तुम ऐसा करो, हुसन आरा को अपने साथ ले जाओ, बहुत दिन से वो भी घर से नहीं निकली है। ठीक कह रही हैं आप, अभी मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। मैं अभी हुसन आरा से पूछ कर आती हूँ। वैसे अम्मा भी हुसन आरा कहाँ है आजकल? नजर नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, उसे क्या होना है? ऐसे अच्छा ही है वो तुमसे दूर ही रहे, तुम्हें जहनी आराम की जरूरत है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग ने मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा। ए बेटा शुक्रिया कैसा, बस तुम अपने खाने पीने पर तवज्जो दो और मैं तुम्हारे लिए पंजीरी बनवाती हूँ, उसमें बहुत ताकत होती है। पंजीरी? व्हाट्स दैट? हाय अल्लाह, पंजीरी क्या होती है तुम्हें कैसे बताऊं? बस यूं समझो कि ड्राई फ्रूट को मिक्स करके बनाते हैं, अच्छी लगेगी तुम्हें। ओके थैंक यू अम्मा दी। बहुत अच्छा हुआ जो कुछ भी, कम से कम ये तो है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पता है जब लड़का लड़की की लव मैरिज होती है तो वो हर तरह के हालात का मुकाबला कर लेते हैं, फिर भी एक दूसरे के लिए सब कुछ सह लेते हैं, एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। और कुछ लोग जबरदस्ती के बंधन में बन जाते हैं और फिर कभी भी खुश नहीं रह पाते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे रहा तुम्हारी बहन का फंक्शन? बहुत अच्छा रहा। Yeah, it was good. आप चलती तो और अच्छा लगता। नहीं मैं ऐसे इवेंट्स में बोर हो जाती हूँ। चाय कॉफी? मैं आपके लिए नाश्ता बना। नहीं नहीं, I just had coffee, thank you. क्या मतलब? कब उठी तो? 2 घंटे पहले। फिर मैंने देखा कि सब लोग सो रहे हैं तो वापस अपने रूम में चली गई। हाँ आज जरा लेट उठे हैं हम। तुमने टीना से बात की? नहीं आज कॉल करूंगा उस समय। तुम हमेशा भूल जाते हो, उसको कॉल कर लो। या डोंट वरी आई विल कॉल। कॉल कर लो फिर ना, वो यहाँ पे आके पूछेगी तुमसे कि मुझे कॉल क्यों नहीं की। आई नो आई विल कॉल। मैं को पता चल गया तो मेरी तो गई बात आ गया। जी आ गई तुम, आज फिर तुम लेट आई हो। ये क्या है राहत, टाइम देखा है तुम्हें, देर हो चुकी है। बस नहीं मिली थी मुझे। हाँ आज बस नहीं मिली थी। बस नहीं मिली थी और तुम्हारा आने को दिल नहीं था? तुम्हें 2 दिन की छुट्टी क्या दे दो, तुम मुझे नखरे दिखाने लगती हो। देखो बीबी, अगर तुम्हारे यही मसले मसाइल हैं तो बता दो मुझे, लाइन में 100 मासी लगी हुई है। मैं यकीन जाने अब कल से बिल्कुल लेट नहीं होंगी, बल्कि काम करूंगी, कल से मैं रिक्शे में आ जाऊंगी। तो मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं रिक्शे के पैसे दूंगी तुम्हें। रिक्शे के पैसे तो मैं अपनी जेब से लगा के आऊंगी, आप क्या फिक्र करती हैं। अच्छा चलो जाओ किचन में जाके काम करो, तुम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है। सुनो इधर आ, तुम कल अयान के ससुराल में क्या कर रही थी तुम? मैं नहीं, मैं झूठ मत बोलो, सच सच बताओ मुझे तुम क्या कर रही थी वहां। मैडम वो असल में ना मैं
मैं बताओ बताओ। हो सकता है कल फिर मुझको वक्त वहां ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको, वो मुझसे शर्माए, मैं कह दूंगा दिलबर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं। हाँ राहत बाजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मानूर तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हारे घर वाले आ गए हैं, चलो। लो भैया, तो पक्की पक्की गई बात आगे। रखा था शेर, अब पूरी दुनिया के काम करवा रहे हैं मुझसे, खुदा समझे। हारिस, इतना स्पाइसी खाना, प्लीज फायर योर शेफ। अच्छा खासा तो है, क्या बुरा है इस खाने में? इतना स्पाइसी खाना, इसमें अच्छाई क्या है? रात का खाना मैं बना दूंगी। अरे नहीं, मैं उसे समझा दूंगा कि वो खाना लेस ऑयली लेस स्पाइसी बनाए। बनाने तो मैं जबीन को खाना, मुझे अच्छा लगता है इसके हाथ का खाना। कोई मसला नहीं है, मैं बना दूंगी रात का खाना। अच्छा चलो ठीक है, आज रात को हम माजुनी के हाथ का खाना खाएंगे। वैसे कल सब अच्छा रहा, अयान की बड़ी हिम्मत है कि अपने फादर की बीमारी के बावजूद वो निकाह के लिए आ गया। अल्लाह का शुक्र है सब साथ खैरियत से हो गया। तुम्हारी बहन की लव मैरिज हुई थी? जी। तभी तो। इस बात का क्या मतलब? अरे मेरा मतलब ये है कि लड़का तभी तो सारी दीवारें तोड़ के अपने बाप की बीमारी को छोड़ के आ गया। असल में हमने ना खुद ज्यादा बड़ा फंक्शन रखा ही नहीं, इसलिए क्योंकि फिर अयान को बुरा लगता, अच्छा नहीं लगता ना कि ऐसे मौके पर हम सेलिब्रेट करें। चले कम से कम उन लोगों की पसंद की शादी तो है, यहाँ पे तो कुछ लोग मजबूरी में शादी करते हैं फिर निभानी पड़ती है जबरदस्ती। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो तुम दोनों। बेटा ये बताओ तुम्हारे अबू की तबीयत कैसी है? अब काफी बेहतर है। इतनी भूख लग रही है, सारा नाश्ता ठंडा हो रहा है, कब आएंगी तुम्हारी अम्मी? हैं हम तो घर से खाना भी नहीं खा कर आए। हुस्ना राव बुलाओ ना अपनी अम्मी को। जी मैं बुलाता हूँ। पिज्जा भी मंगा लेना, ऐसी मजाक कर। रे मानूर तुम्हारे तो मजे आ गए हैं, ये पिज्जा बॉय तो बड़ी पार्टी निकला, तो बड़ा घर, इतनी गाड़ियां, बाहर तीन तीन चार चार गार्ड्स खड़े हैं, बड़ी नोट पार्टी मजाई है। अरे खुदा के लिए सारी उल्टी सीधी बातें उसकी अम्मी के सामने मत कर दीजिएगा, पता है ना उसकी माँ सौतेली है, अयान के लिए बाद में ऐसे ही मसाइल होंगे। अच्छा भैया बुला भी चुको ना उसको, कौन सी ऐसी वो अंबानी इसकी शादी में जा रही है, उसकी तैयारियां ही नहीं खत्म हो रही, बल्कि इतनी देर तो अंबानी भी नहीं लगाते होंगे तैयारियों में। उस सुना राव वैसे क्या लाई है नाश्ते में? सब तुम्हारी पसंद का। लो आ गए अंबानी। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।